डालिए। हाँ मैंने कंजूसी से डाले मम्मी काजू। मम्मी मुझे बहुत टाइम से बोल रही थी मुझे पायल ले। तुम बताना इतनी इंपेशेंट क्यों हो? बाजार भी देते हैं। फीकी फीकी लग रही दिवाली। कच्चा नहीं है पता है क्या? भटका भटका फूटती तो उनकी आत्मा भटक के रहती है। अच्छा नहीं लग रहा लोग पटा के बोल रहे हैं। जाओ अंदर चली जाओ। फैक्ट्री वाले सामान में कहाँ मुंडी घुसा रहे हो तुम? हर चीज सुनना रहता तुम हटो वहाँ से। Guys, that's Negi अंकल। वो हमारे घर में लाइटें लगा रहे हैं। लाइटें मैं बोल रही थी दीदी ये जो येलो वाला है ना येलो वाला ही डबल करके लगा देते सामने और बीच में वाइट डाल देते हैं। व्हाट यू से लियो दीदी तुम छोड़ दो वो कर देंगे अलग ही खुजली रहती है तुमको। हाँ तो तू ही कर लेते को पैसे देते और खींच थर्ड वाला। दीदी तो सेकंड वाला खींच रही है। खींचो हाँ और बस बस। गाइस दिवाली की लाइटें लग गई हैं जहाँ पे मैंने और दीदी ने अंकल की मदद की जो लाइट लगाने के लिए आए थे एंड ही वाज गेटिंग इरिटेटेड अ लॉट। क्यों दीदी? ही वाज लाइक बस हो गया अवॉर्ड नहीं करना मुझे। ऐसा क्यों होता है जो लोग काम के लिए आते करने के लिए उन्हें वो काम करना ही नहीं रहता? ऐसा हमारे साथ बहुत होता है। मैडम आई एम हैविंग ब्लैक कॉफ़ी। लुक एट द मेस दैट आई हैव क्रिएटेड। आई रियली नीड टू बाय अ वैनिटी जहाँ पे मैं ये सारा सामान रख सकूँ। एंड आई एम रेडी। माय मॉम इज गेटिंग इंपेशेंट सो लेट्स गो। तुम बताना इतनी इंपेशेंट क्यों हो? हाँ मेरे मेरे बिना जा रही थी ना कैब लेके क्यों? हाँ हाँ तुम घर का सजावट कर लेते अब बेटा को तो पूजा करना पड़ेगा उसके पापा है नहीं पता नहीं वो करेगा कि नहीं। क्यों करना पड़ेगा उसको पूजा? क्योंकि ये लक्ष्मी जी का पूजा जेंट्स लोग करते हैं ना। जेंट्स लोग करते हैं मम्मी। हाँ क्या मम्मी इतने रूल्स क्यों? I don't like so much, so many rules. जो रूल्स है वो तो सारा इंडिया है। मुझे तो लगता है रूल्स हम तोड़ सकते हैं मम्मी। नहीं इस साल दिवाली दिवाली लगी नहीं रही है पापा भी नहीं है घर में। I don't feel like making rangoli as well or doing anything. क्या बोल रहे हैं साली ने ली है प्लीज बोलो। हाँ इस बार साली ने दशहरा का और दीपावली का मार्केटिंग करी पूजा का सामान भी उसने लाई तो शामिल ये सौरभ मम्मी बस मेरी तारीफ करना चाहती है नहीं पर इसने करी तो अच्छा रहा मतलब मुझे खुशी हुई कि इसी पैसे से पूरी अच्छा तरक्की करी तरक्की। थैंक्स मॉम। कितनी भीड़ है यार मम्मी। मम्मी एकदम बनी जैसे चलती है बनी मम्मी बस आज की रौनक है ये। कितना बोल रहे कितना लेना है? 100 ये चुन्नी सही है मुझे तो लग रहा है ये 15 रुपए की है ये चुन्नी। महंगाई तो कुछ भी यार महंगाई मम्मी दो बहुत कम हो रहे कितना आता है इसमें? इसमें कितना रहता है? इसमें 50 के आसपास है। 3 दे दे मम्मी अब इतना खर्चा हो रहा है तो ले लो। मम्मी जब बताशा शुगर होता है तो हम सिर्फ शुगर क्यों नहीं चढ़ा सकते? तो अलग से इतने सुंदर सुंदर कलर और वो क्यों ले रहे हो साइजेस? तो जब वो शुगर ही होता है घर पे शुगर रखा तो अलग से क्यों ले रही हो तुम मम्मी? चढ़ती है बेटा तो बताशा शुगर नहीं होता तो शुगर से बनाना बना लो अलग से साइज क्यों बना है उसका? आई डोंट मम्मी के लिए बोल लो। मम्मी जब पूजा का सामान खरीदती है इतनी खुश रहती है हैप्पीएस्ट। बीफ माला दे दो ठीक है। गाइस मम्मी की ना फूल वालों से पहचान है। मम्मी इतना फूल ले रही अपने ही फूल का शॉप खोल लेगी मम्मी। वी आर ऑलमोस्ट डन विद द शॉपिंग। आज बहुत ही ज़्यादा भीड़ है क्योंकि दिवाली आज एंड मेरा कंधा इतना दुख रहा है गाइस। ऐसा लग रहा है स्कूल गर्ल वाली फीलिंग आ रही बहुत ही भारी है। लो मम्मी ठीक खरीद लो अब तुम पायल। मम्मी मुझे बहुत टाइम से बोल रही थी मुझे पायल लेना है धनतेरस पे। धनतेरस तो निकल गया तो अब हम दिवाली पे ले रहे हैं मम्मी के लिए। कितना भैया? 5,600 मम्मी। You like it? हाँ
तुम्हें भी तो पसंद आई थी ये क्या है? कितना ग्राम है? लिखा हुआ ना 75 ग्राम के लगभग वेट है, 58 का रेट है, 200 ग्राम है। बस घूमू डालेंगे लेना है कि नहीं लेना है? बात तो करेंगे जब वहाँ पे बात कर रहे हैं। क्या मेकिंग चार्ज पे? हाँ मेकिंग चार्ज पे कम करवाएंगे पैसा। नहीं होगा भैया का पसंद है तो ले लो मम्मी। सारी शॉपिंग हो गई दिवाली की, मम्मी ने पायल भी ले लिया, बहुत खुश है मम्मी पायल लेके। बट शाम हो गई और कुछ भी तैयारी नहीं हुई है दिवाली की। अभी घर जाके रंगोली भी बनानी है, सजावट भी करनी है। हर साल पापा करते हैं ना मम्मी शॉपिंग, इस साल पापा नहीं है, सजावट भी देते हैं। फीकी फीकी लग रही है दिवाली पापा के बिना, कोई बात नहीं। मिस यू पापा। दीदी ये वाला लाइट ऊपर लगेगा और ये सामने के लिए ये वाला लाइट है, ये दो। इसे शुभ दीपावली भी लिखा है। अरे वो सामने के लिए है, वो छोटा वाला है, ये है ये बड़ा वाला। घूम आए लियो, इससे पहले लोग फटाका फुटाना शुरू कर दे। चलो 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 हम घूमने आते, चलो ये दीदी को दे दे। हाँ दे रही हूँ धागा, ले लाइट जला ले बहन। चले लियो घर, आ जाओ। इस इतना सूंघता है ना ये लड़का, बाप रे, एवरी स्पॉट ही विल फाइंड मी टू पी पी। देखो लियो दीदी फूल लगा रही है। चिची होगी, आ जाओ चिची होगी लियो। तो बहुत तेज आई थी पता है। चलो लड़का इतना बदमाश है, बिना इसके खाता ही नहीं है खाना। लो भाई साहब खाना, यम यम। क्या बोल रहे मम्मी? हाँ लड़की कहीं भी देखती है हाल। ठीक है ले लो पायल। तुम्हें देखो बार्गेनिंग करना पड़ता है, रेट पूछना पड़ता है दूसरा दुकान में। ले लो मैं देता हूँ, तो फिर वो कम कर कम मैं बता। 5600 का बोला वो पायल और मम्मी ने 5400 में लेके आई वो, बेसिकली 200 रुपए बचा लिए उन्होंने। तो उससे पे और काम करता है तुम तो, और नहीं काम करता है मम्मी, और नहीं काम करता वो। तेरी नहीं फटती हाइट्स तो? मैंने चढ़ के लगाने की कोशिश की, मेरी बहुत फटती, तो सब दीदी चढ़ गई ऊपर। हो जाएगा ना हाइट तुम्हारा, इट इज सिक्योर ब्रो। डू यू वांट मी टू होल्ड इट? हाँ होल्ड इट। ओके आई एम होल्डिंग इट दीदी। थैंक यू। बहुत ही घटिया चाय दीदी, बहुत ही घटिया। बहुत घटिया चाय बनाई तुमने आज। गाइज आई मेड दिस रंगोली, एकदम बेमन से बनाया इस साल मैंने। और ये देखो हालत क्या पसारा। एंड दैट्स लियो देयर, मेरा बेबी। पटाखे फूट रहे पर उसे ना तो फर्क नहीं पड़ता, मतलब ना उसे पटाखों की स्मेल से इतना फर्क नहीं पड़ता, उससे आवाज से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है एंड वो इरिटेट हो जाता है थोड़ा सा। लियो क्या हुआ बेटा? अच्छा नहीं लग रहा, लोग पटाखे बोल रहे हैं। जाओ अंदर चले जाओ, जाओ अंदर चले जाओ, जाओ। रंगोली दूर से अच्छी लग रही है, थोड़ी सी अनइवन है पर ठीक है, कोई बात नहीं। दिस इज़ माई लास्ट मेड आउटफिट फॉर दिवाली। ये कुर्ता मैंने सिलवाया था लास्ट ईयर, बहुत ही सुंदर कुर्ता। ये पीछे का है, वेट ये सामने का, ठीक है। एंड ये प्लाजो किसी रैंडम सूट का है और ये दुपट्टा भी किसी रैंडम सूट का है। मैं रेडी होके बाहर आ गई, अब क्या इस बॉय क्या कर रहा पता है? जो दिए में तेल डाला गया था उसे जाके पी रहा है ये लड़का, उसे जाके बचा कुचा तेल पी रहा है ये लड़का। मार खाना है इसको, मार खाना है। हैप्पी दिवाली दीदी, हैप्पी दिवाली। दिखा दो अपनी शक्ल, दिखा दो व्लॉग में। आई हाय आई हाय, आज दीदी ने देखो झुमके पहने जीवन में पहली बार। ओहो झुमके नहीं पहनती, सिर्फ टॉप्स पहनती है वो। क्या बन रहा है उसमें? इसमें भाप वाला वो, तो ये जो है ना ये डो बनेगा इसका, और दिस इज चावल और ये अंदर का फिलिंग है। तो बन रहा है केले
के पत्ते का पीठा, क्योंकि एंसेस्टर्स को दिया जाएगा और वो लोग जो हैं तेल वाली चीजें नहीं खाते, वो भाप वाली चीजें खाते, राइट मॉम? अरे एंसेस्टर जो है ना वो जैसे आज अमावस्या है, आज फटका फटका फूटती तो उनकी आत्मा भटकती रहती है, हर जगह दिया जल जाती लगती है तो उनकी वो होती है। कितना बनाओगी? अभी 4-6 बनाओगी, इसमें कितना हो पाएगा, कितना टाइम लगेगा इसको? इसको 10-15 मिनट, बस चार ही बनाना है। चलो ढाको, तेज करो। स्टीम पिठा इज रेडी। मैं खा लूँ ये? हाँ, सुपुन बोला कच्चा ही है। कच्चा नहीं है, पता क्या मोटा हो रहा, सही ढंग से लाते तो अच्छा है। फाइनली मुझे पता चला इसे क्या कहते हैं, स्टीम पिठा। ओके मम्मी, अब चलो भोग लगाते हैं। यहीं पे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर इस व्लॉग को एटलीस्ट 50K व्यूज तक आ जाते हैं ना, तो आई विल कंटिन्यू व्लॉगिंग एंड 3K लाइक्स। Please, please make this happen. I'm going to see you guys pretty soon. Bye.